गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और फ्रेश ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अभी लगभग 10 बज चुका है और थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं बिजी रह गया, ठीक है, और सब भी नहीं गया हूँ अभी तक। और भाई पानी आ रहा था यार, देख सकते हो कितने सारे, मतलब कि बर्तन पूरी तरह से खाली है भाई, बॉटल वॉटल 2 दिन हो गया, पानी का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और भाई बारिश, जब मतलब कि बारिश होती है, जब ख़त्म हो जाते हैं ना 1-2 दिन के बाद, बहुत तेज़ धूप, जो तापमान है ना वो बढ़ जाता है भाई। और मैं आया हूँ यहाँ पर सहजन की पत्ता तोड़ने के लिए, और ये बच्चा वाला पाया था, बच्चा वाला पत्ता ही चाहिए भाई, ठीक है। ये देख सकते हो ये वाला, ये भी काम आएगा, ओके। और ऊपर का भी तोड़ते हैं, ओए ओए, हाँ ये ठीक है भाई, चलो ये भी हो गया है भाई, इतना तो आ गया है, थोड़ा मतलब बिल्कुल नहीं होगा यार, और इतना चाहिए, ठीक है। और इधर का हिस्सा भी थोड़ा सा, चलिए। और भाई एक कद्दू देख सकते हो, कद्दू बोलते हैं ना इसको, नहीं नहीं ये लौकी है भाई, ठीक है, ये पूरी तरह से पक चुका है, इसको तो सब्जी नहीं बना सकते ना, इसका बीज काम में आएगा बारिश के दिन में, ठीक है। और भाई इतना सारा बहुत काम है यार, लेकिन हो जाएगा यार। हे क्या है, ठीक बा भाई, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रखा गया है ड्रम पे पानी, ये पूरी तरह से क्लीन है भाई, नल के पानी से तो ये बेहतर है, नदी का पानी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी के कारण अभी गर्म है यार ये पानी भी। भाई मेरे को ना खजूर खाने का बहुत दिल कर रहा है, ठीक है, इस पेड़ में बहुत ही आता है यार, इस साल बिल्कुल भी नहीं आया है खजूर। जो मेरा शॉप है ना आगे थोड़ा सा, मतलब कि उस तरफ जाओगे तो एक बड़ा सा पेड़ है, लंबा सा, उसमें से बहुत खजूर आया है यार, लेकिन अभी तक नहीं पका, इसको पकाना पड़ता है तोड़ के, ठीक है। मत कर इतना गुरूर, सूरज पे ए हसीना, नहीं तो धूप बहुत तेज लग जाएगी, बहुत ही खतरनाक सा धूप है भाई सच में, 4:30 होने का है तब भी धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई भाई भाई, मैं जिस चीज का बात कर रहा था ना अभी थोड़ी देर में, खजूर भाई साहब, आगे पेड़ है ना, 1-2-3 पेड़ है, उसमें से एक में बहुत सारा खजूर है भाई, ठीक है, थोड़ी देर में तो जरूर खाने चलेंगे वहाँ पर। चलो भाई लोग खजूर खाने के लिए खजूर के पेड़ की तरफ जाते हैं, बहुत झाड़ियाँ हैं यार, कैसे जाएं। और ये रहा भाई खजूर का पेड़, ये लो तो दिखाई दे रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं पका भाई, और यहाँ पर देख सकते हो गिरा है, लेकिन देखो ये वाला ऐसा वाला है पेड़ पर, और मेरे को ये ऐसा वाला चाहिए पका हुआ, एक तो मिल जाए, जब मैं ना आया हूँ तो एक खा के ही जाऊँगा भाई, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा। ये थोड़ा मतलब कि धूल लगा है, ये अच्छा है भाई, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इसका बीज जहाँ पर भी फेंक दोगे ना वहाँ पर बहुत सारा खजूर का पेड़ हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, ये वाला 1-2 गिन नहीं सकते भाई। सो भाई लोग 6 बज चुका है यार, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर में हो जाएगा यार, और हमने चले हैं इवनिंग स्नैक करने के लिए, ठीक है, और वो भी रोड की साइड में भाई, थोड़ा सा दूर में जाएंगे, क्योंकि ये सब जमीन एरिया है, यहाँ पर धान की खेती किया जाता है भाई, अभी तो धूप के महीना में है, मतलब कि साल में 2 बार तो खेती किया जाता है, लेकिन भाई हमारे जो एरिया में केनाल का पानी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है यार। और थोड़ा सा आगे जाएंगे यार,
पार्सल लाए हैं, ठीक है, खाने के लिए। दोस्तों मतलब का आगे थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी है, ठीक है, इस वजह से बैठने का लायक नहीं है वहाँ पर, और हमको चाहिए अच्छा प्लेस, इसलिए यहाँ पर ही बैठेंगे भाई। पीने के लिए कूल कूल वाटर, बहुत ही ठंडा भाई, फ्रिज वाला वाटर है, ठीक है, यहाँ पर ही बैठते हैं। भाई ये है टोमेटो चटनी और चिल्ली, ठीक है, इसमें से मिक्स किया गया है, बहुत जूसी है भाई। प्लेट में इसको रखना पड़ेगा पहले भाई। नहीं नहीं ये टोमेटो सॉस है ये, और ये चिल्ली है भाई, ये अलग अलग कलर है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंस लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत चिल्ली डाल दिया है। ओके ये भाई टोमेटो सॉस तो है ना, ठीक है। प्याज कटा हुआ प्याज, आज का इवनिंग स्नैक चिकन चाउमीन, ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं भाई, उसके बाद मिलते हैं। सुनसान जगह, रोड के साइड एरिया, खाली मैदान, बहुत ही अच्छा प्लेस है खाने के लिए। चलो ये तो शुरू कर दिया है, मैं शुरू करके इसको पूरा ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके भाई, सो भाइयों हो गया आज का इवनिंग स्नैक, बहुत ही अच्छा था, टेस्टी टेस्टी, ठीक है। और भाई पूरा शाम हो चुका है और अंधेरा भी हो चुका है, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं भाई, कल नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।